हमारे इस खास रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के दामाद निखिल नंदा के बारे में, जिनके पास थोड़ी बहुत नहीं बल्कि साल भर की कमाई 35 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में इतने सालों से उन्होंने अरबों की कमाई तो कर रखी है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आपको बता दें वाकई में अरबों के वो मालिक कैसे बने। जी हाँ, निखिल नंदा की कुल संपत्ति $1 मिलियन टोटल से लेकर $5 मिलियन बताई जाती है, यानी कि मिनिमम 7 करोड़ से लेकर मैक्सिमम 35 करोड़ रुपए सालाना की कमाई। साल 2005 में अक्टूबर में शेफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वो बने थे। साल 2007 में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्कॉट मेंबर्स ग्रुप में वो शामिल हुए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। साल 2013 में स्कॉट्स लिमिटेड के प्रबंधक बने और निर्देशक बने निखिल नंदा। पता के जाने के बाद साल 2018 में वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए स्कॉट के लिए। अब दो बच्चे उनके नव्य और अगस्त्य, जो कि मुंबई में श्वेता के साथ रहते, क्योंकि श्वेता खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती थी और उन्होंने शादी के इतने सालों बाद बच्चों को लेकर मुंबई सेटल होने का फैसला लिया, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट, एक नॉवलिस्ट और एक फैशन डिज़ाइनर के तौर पर अपना पेशा बढ़ाना चाहती थी और उनके इस फैसले में पूरा परिवार उनके सपोर्ट में रहा। इसलिए अमिताभ, जया, ऐश्वर्या, अभिषेक के साथ ही श्वेता अपने बच्चों को लेकर रहती है, लेकिन निखिल मुंबई नहीं जा सकते थे क्योंकि दिल्ली में ही उनका बिजनेस फैला है। दिल्ली छोड़कर वो मुंबई सेटल नहीं हो सकते थे। ऐसे में अपने अरबों के बिजनेस को वो यहीं पर संभालने में लगे रहे। ये अरबों की कमाई ही कहीं ना कहीं श्वेता निखिल के बीच तूलियों का कारण तो बन ही गई। साल 2001 में जिनेवा में ग्लोबल लीडर्स ऑफ टुमारो बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रूप में चुने गए 5 भारतीयों में से एक निखिल नंदा थे। उनकी शादी श्वेता बच्चन के साथ तभी तो साल 1997 में उस वक्त हुई जब निखिल नंदा बहुत बड़ा नाम बिजनेस की दुनिया में थे। निखिल नंदा ने अपने पिता के लिए, देश के मशहूर व्यवसायी में से एक थे उनके पिता, उनके लिए हमेशा उनका सपोर्ट सिस्टम का काम किया। राजदूत मोटरसाइकिल की बात की जाए तो राजन नंदा का ये बहुत मशहूर हुआ था। शोमैन राज कपूर के दामाद थे राजन नंदा। राज कपूर की बेटी रितु से उनकी शादी इसलिए कराई गई थी क्योंकि बिजनेस में बहुत बड़ा महारत उन्होंने ऑलरेडी हासिल कर रखा था। निखिल नंदा को बेस्ट सीईओ के अवार्ड से नवाजा गया था कुछ टाइम पहले, तब वो बेटी ने भी अपनी खुशी पिता को लेकर जाहिर की थी। वैसे तो अमिताभ के पास 2800 करोड़ की संपत्ति अमिताभ, जया के पास बताई जाती है। ऐसे में 100 करोड़ की संपत्ति से ज़्यादा संपत्ति तो निखिल नंदा के पास भी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।